हेलो मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। आज मैं आपको तुलसी जी में ऐसा क्या उपाय करना है मैं आपको बताने वाली हूँ। तुलसी माता अगर सूख जाए, आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है और वो सूख जाए, तो ये मैं एक ऐसा कार्य बता रही हूँ वो आपको करना है, वरना आपके घर से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाएगी। तुलसी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है मित्रों। सूखने के बाद भी इस पौधे का विसर्जन पूरे सम्मान और नियमों के अनुसार करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की नाराज़गी आपको कंगाल और दुखी कर सकती है। अधिकांश घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन तुलसी का पौधा घर में रखने के नियम और तुलसी का पौधा सूख जाने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में सही जानकारी कम ही लोगों को होती है। जबकि बेहद पवित्र और पूजनीय माने गए तुलसी के पौधे को रखने और उसके सूखने पर हटाने के काम को नियमानुसार करना जरूरी है, वरना माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इससे जीवन में गरीबी, दुख और समस्याओं से आप घिर सकते हैं। सूखी तुलसी का क्या करें मित्रों, आइए जानते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने और रोज़ पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं तुलसी के पौधे का सूखना भी कई तरह के संकेत देता है हमें। जैसे अचानक हरी भरी तुलसी सूख जाए तो ये किसी तरह का संकट आने या धन हानि का अंदेशा होता है, ऐसे में सतर्क हो जाए। हालांकि कई बार मौसम आदि के प्रभाव के कारण भी पौधा सूख जाता है, ऐसे में किसी भी कारण से तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे ऐसे ही रहने दे, बल्कि धर्म शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हुए तुरंत हटा दे, वरना सूखा हुआ तुलसी का पौधा कई तरह की मुसीबतें ला सकता है आपके लिए। घर में तुलसी का सूखा पौधा होना अशुभ होता है। तुलसी के सूखे पौधे को सम्मान से हटाएं, स्नान करने के बाद ही इसे स्पर्श करें। गमले से तुलसी के पौधे को जड़ सहित निकालें और इसे किसी पवित्र नदी, तालाब या पवित्र जलाशय में विसर्जित कर दें। लेकिन रविवार या एकादशी के दिन यह काम न करें। रविवार और एकादशी के दिन तुलसी को नहीं छूना चाहिए। पुराने पौधे की जगह नया पौधा लगाएं। तुलसी का नया पौधा लगाने के लिए गुरुवार का दिन सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। इसके अलावा शुक्रवार के दिन भी तुलसी का पौधा लगाना शुभ होता है। तुलसी के गमले की मिट्टी भी शुभ होती है। ऐसे में जब तक तुलसी का नया पौधा ना लगा पाए, तब तक तुलसी के गमले की पूजा भी कर सकते हैं। यदि गमले की मिट्टी बदल रहे हो तो उस मिट्टी को भी सम्मान के साथ कहीं डालें, इसे गंदगी में डालने की गलती ना करें। घर पर लगाने के लिए रामा तुलसी सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। बेहतर होगा कि रामा तुलसी ही लगाएं। साथ ही तुलसी के पौधे को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखें, इस पौधे को दक्षिण दिशा में न लगाएं। अब आपको मित्रों मैं बता दूं कि तुलसी दो प्रकार की होती है, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। जिस तुलसी की पत्तियां हरी होती है उन्हें रामा तुलसी कहा जाता है, और जिसकी पत्तियां गहरे रंग की होती है उन्हें श्यामा तुलसी कहा जाता है। श्यामा तुलसी भगवान कृष्ण या राधा रानी के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है, क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होता है। ये दोनों ही प्रकार की तुलसी घर के लिए शुभ मानी जाती है, लेकिन ऐसी मान्यता की है कि इन दोनों में से कोई एक ही प्रकार की तुलसी घर के आंगन में लगानी चाहिए। इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको इस वीडियो में तुलसी के सूख जाने पर हमें क्या करना है ये बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके, और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे मित्रों।